सब कुछ खत्म हो गया। मेरी किस्मत का सूरज डूब चुका है, अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। समझ में नहीं आता क्या करूं, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। Thank you.
चाहे खुशी, यहां तक ऐसे हालात में आंखों से नींद भी दूर चली जाती है। क्यों ऐसी हिम्मत हारने वाली बातें कर रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इसलिए तो जी रहा हूं आशा, तुम्हारे हौसले के सहारे, तुम्हारे प्यार के सहारे। हेलो। हेलो मामा। रोहन बेटा, कैसा है तू? कल आ रहा है ना? यस मामा। मामा माय फ्लाइट इज 6 आवर्स लेट, आप लोग परेशान ना हो इसीलिए फोन किया। हाँ मामा, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ मामा, बहुत जल्दी आपके पास पहुँचने वाला हूँ। अच्छा किया तूने। मुझे फोन दो। अच्छा ले, पापा से बात कर। हेलो रोहन बेटे, कहाँ से बोल रहे हो? पापा मैं घर से बोल रहा हूँ। बेटे मैं जानता हूँ कि हमारी वजह से तुम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हो। I've let you down, I'm very sorry. No problem पापा, आपने मुझे जितना पढ़ाया है वो भी कुछ कम नहीं है। अब आप देखिए, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो आपको किस तरह साथ देता हूँ, बस आप अपना दिल छोटा ना करें। रोहन बेटे, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हो गया। I'm proud of you my son, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर कर दिखाओगे। थैंक यू पापा, आपका ये भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। सो बाकी बातें घर पहुंचने के बाद। परेशानी के आलम में टहल रहा था, तब यही
जाकर मेरे पैरों से टकराई थी और वहां मुझे एक अजीब सा आदमी मिला और उस आदमी ने कहा यह कोई मामूली मूर्ति नहीं है, बहुत शक्ति है इसमें, चमत्कारी मूर्ति है ये। अजूब बदली आशा कि वो आदमी अचानक वहां से गायब हो गया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। राज, वो आदमी इस मूर्ति के बारे में जो कुछ भी कह रहा था, अगर वो सब सच है तो शायद ये मूर्ति हमारी कुछ मदद कर सके। आशा, तुम कहां ऐसी बातों में विश्वास करने लगी हो? भाई, आज के दौर में जब इंसान इंसान की मदद नहीं करता है तो ये बेजान मूर्ति हमारी क्या मदद करेगी? राज, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है। अरे, ख्वाहिश मांगने में हर चीज क्या है? जरा सोचो तो, अगर हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो हमारी तो किस्मत ही जाग उठेगी। आशा, मैं इन बातों को नहीं मानता। लेकिन मैं मानती हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश मांग कर देखती हूँ। चमत्कारी मूर्ति, सुना है तू इंसान की तीन ख्वाहिशें पूरी करती है। अगर ये बात सच है तो हमारी पहली ख्वाहिश पूरी कर। हमें 1 करोड़ रुपयों की जरूरत है, कर दे हमारी ये जरूरत पूरी। करोड़ रुपया, सुनो, बहुत रात हो गई, अब चले।
प्लेन क्रैश हो गया है। कुछ लाशें ऐसे मिली हैं जिनकी शिनाख्त हो सकी है, क्योंकि जेब से इनका पासवर्ड मिला है जिससे हमें पता चला है कि उनके आशा कंट्रोल मांगने वाले को अपनी एक प्यारी चीज की बलि चढ़ानी पड़ती है।